नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्रदेश की सरकारी नौकरियों के बाबत पर। आप सबको पता ही होगा कि आज बेरोजगारी का आलम क्या है। आज पढ़े लिखे बच्चे हमारे जो है वो नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेशों में जो क्रिएट पोस्ट है वो पोस्टें भरी नहीं जा रही है। किसी ना किसी प्रकार से वो भर्तियों को पोस्टपोन किया जा रहा है या तो सब अधर में लटकी हुई है। मैं बात करना इसलिए चाह रहा हूं और ये क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। डीएनएच में 28 एलडीसी की पोस्ट सहित कितनी सारी पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 और तारीख भी है 11 दिसंबर 2019 को प्रकाशित हुई थी एडवर्टाइजमेंट। मतलब आज 4 साल हो गए हैं। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आखिरी में हमारे दमन में एडवर्टाइज नंबर 8 24 जनवरी 2020 को निकली थी, जिसमें 46 एलडीसी की पोस्ट, कॉन्स्टेबलों की पोस्ट के समेत काफी सारी पोस्ट थी। अब बात यह है 19 से 23 के दरमियान और 20 से 23 के दरमियान, मतलब 3 4 साल हो गए हैं, मगर ये पोस्टों की भर्तियां अभी तक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि हमारे प्रदेशों में लगभग 2000 से ज्यादा सरकारी वैकेंसीज है जो क्रिएशन पोस्ट है, यानी क्रिएटिव पोस्ट है जिसका सेंक्शन कंप्लीट है। सैलरिया जो आती है मगर भर्तियां नहीं होने की वजह से वो सारा फंड वापस भेजा जाता है, ऐसी मुझे जानकारी मिल रही है। क्या कारण है कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भर्तियां नहीं हो रही है? मैंने अभी अभी पूछा कि भाई एलडीसी के बाबत पर क्यों भर्तियां नहीं हो रही है, तो मुझे बताया गया कि अभी एक टेक्निकल कारण आया है कि ब्लाइंड लोग, यानी कि जो व्यक्ति अंध होता है, तो उनके लिए लिपि का सॉफ्टवेयर आएगा, अपग्रेड सॉफ्टवेयर, जिससे ब्लाइंड लोग भी उसमें एग्जाम दे सके। तो मैं पूछना चाह रहा हूं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी से, क्या प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को एक सॉफ्टवेयर डालने के लिए 3 3 साल लगेंगे? अब ये 2000 पोस्ट की जो बात हो रही है कि सरकारी नौकरियों में 2000 पोस्ट है, टीचर से लेकर सब कोई। मैंने आगे भी बात की थी कि शिक्षकों का कितना कमी है और स्कूलों में किस प्रकार से एक एक टीचर चार चार क्लासेस को संभाल रहे हैं, और ये मैन पावर की वजह से सरकारी ऑफिसों में लोगों के काम में कितनी दिक्कतें आती है वो सब कोई जानता है। अब मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि जिनकी उम्र ये सालों में खत्म हो रही है, जैसे कि अभी ये पोस्टों में 18 साल से लेकर 27 साल के लोगों को के लिए ही ये पोस्ट रखी गई है, यानी 27 साल के ऊपर का व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं दे कर पाएगा, और वो एज रिलैक्सेशन इतना ही है। एससी एसटी ओबीसी वगैरह को जो रियायत है वो है, मगर 27 साल जो है वो एज का लिमिट डिसाइड की गई है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 2019 में जिसकी एज 27 साल की होगी तो आज क्या करेगा वो, यानी 20 21 22 और 23, तो वो इसका एज जो समाप्त हो जाएगा उसका भविष्य का क्या? प्रशासन उसके बाबत में कोई सोच रहा है कि नहीं? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि भर्ती जब नहीं हुई, जब से नहीं हुई, तब से उनकी एज को कंसीडर किया जाए, और 2019 में अगर उसका 27 साल खत्म हो रहा है तो वहां से ही एज को कंसीडर किया जाए, ताकि 28 29 और 30 साल भी हो गए हो तो उनको भी उस भर्ती में लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक कामगिरी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन लोगों की एज ओवर एज हुई है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में डोमिसाइल को फर्जियात किया जाना चाहिए। मेरी बात तभी भी नहीं सुनी गई थी और 20 मार्क उन लोगों ने कर दिए थे। तभी भी मैंने कहा था कि डोमिसाइल के 20 मार्क नहीं दिए जा सकते, मगर डोमिसाइल को फर्जियात किया जा सकता है। बाकी राज्यों में डोमिसाइल को फर्जियात है, तो प्रशासक जी से
निवेदन करता हूं कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली की सरकारी नौकरियों के लिए या प्राइवेट जॉबों के लिए दमन दीव और दादरा नगर हवेली का डोमिसाइल अनिवार्य किया जाए, और जब भी भर्ती हो वो जितने साल से भर्ती नहीं हुई उतने सालों का एज रिलैक्सेशन बच्चों को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। आज 2,000 युवाओं को जॉब मिल सकता है सरकारी, और मैन पावर भी बढ़ाया जा सकता है, मगर प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी वास्तविकताओं को ध्यान में ले और बड़े बड़े हवाई किले बनाने से अच्छा है, बड़े बड़े मुगली सपने दिखाने से अच्छा है कि वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर, हमारे युवाओं को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर ये निर्णय ले और सारी की सारी भर्तियां तुरंत प्रभाव से भरने के लिए प्रयास करें और युवाओं को रोजगार दें। और खास करके ये बात वापस कहना चाह रहा हूं, डोमिसाइल हमारे लिए अनिवार्य किया जाए। धन्यवाद।